नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। उर्वा विकास खंड के सिकटी गांव में तबाही का आलम कुछ ज्यादा ही रहा। मकान धराशायी होने से जहां एक वृद्धा असमय काल कलवित हो गई, वहीं गांव के ही एक और गरीब पत्रकार का घर छत विहीन हो गया। 3 दिन से परिवार के लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। सोमवार को जब गाँव में पहुँच कर ओलावृष्टि चक्रवर्ती तूफान से गिरे मकानों का निरीक्षण सपा के पूर्व सचिव संदीप सिंह पटेल व नीरज सिंह यादव ने किया। किसानों को 33% और 50% मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा ना करके किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है। संदीप पटेल व नीरज यादव ने सीधा प्रहार भाजपा सरकार पर किया कि यह जो किसानों की फसल नुकसान हुई है, जो 20% किया जा रहा है, सिर्फ किसानों को चॉकलेट दिखाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग निष्ठा के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पूरी सहायता हमारी टीम के द्वारा की जाएगी। आज लिए चेक मिला हुआ है। 13 तारीख को जो चक्रवात आया था, हमारा घर गिर गया और हमारी माताजी का देहांत हो गया और हमारे पिताजी हस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कौन कौन आया था आज आपके यहाँ? महेंद्र सिंह मंत्री प्रभारी आए हुए थे, विधायक जी आए हुए थे, सीनियर लगाइए, माननीय नीलम करवरिया जी, जिला अधिकारी भानुचंद गोस्वामी जी, ADM, SDM, तहसील के सारे कर्मचारी और बार के अध्यक्ष और मंत्री जी भी हमारे यहाँ थे। चंद्र प्रकाश सिंह गांव सिटकी। अजी कितनी सहायता राशि मिली है? 4 लाख। चलो, प्रयागराज से परमेश्वर पटेल की रिपोर्ट।